नमस्कार, न्यूज टेट देख रहे हैं आप। खबर 10 बजे में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से है, जहां माफिया अतीक पर ईडी का शिकंजा भी अब कसता नजर आएगा। अतीक अहमद के खिलाफ जांच तेज करेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अतीक के 8 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त ईडी कर चुका है अभी तक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी का शिकंजा भी अब अतीक पर कसता हुआ नजर आएगा। अतीक गैंग की, अतीक गिरोह की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। माफिया अतीक अहमद पर ईडी का शिकंजा भी अब और कसेगा। अतीक अहमद के खिलाफ जांच ईडी तेज करने जा रही है। अतीक की अब तक 8 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी की तरफ से जब्त कर लिया गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक अहमद और अतीक अहमद का पूरा परिवार, उसका गैंग जो इस हत्याकांड का साजिशकर्ता माना जा रहा है, जिन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने उमेश पाल की हत्या करवाई है, उस पर मुश्किलें अब अतीक गैंग की ओर बढ़ने वाली है। ईडी जांच तेज करने वाला है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। ईडी की तरफ से अतीक के खिलाफ जांच तेज की जाएगी। माफिया अतीक पर ईडी का शिकंजा भी कसता हुआ अब नजर आएगा। अभी तक 8 करोड़ की संपत्ति ईडी अतीक अहमद की जब्त कर चुका है। अब ईडी की तैयारी है और माफिया अतीक अहमद की बारी है। माफिया पर शिकंजे की तैयारी में ईडी जुटा हुआ है, तैयारी अपनी तेज कर दी है। ईडी ने जांच शुरू कर दी है, मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं उसको लेकर ईडी ने अपनी जांच शुरू की है। अतीक अहमद पूर्वांचल का एक बड़ा माफिया, न सिर्फ माफिया पर राजनीति में भी रहा एक नेता, जो साबरमती जेल में अभी फिलहाल अपने कर्मों की सजा काट रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। निखिल, आपके पास आएंगे ज्यादा जानकारी के लिए। अब ईडी भी जांच को तेज करने में जुट चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग के कौन से ऐसे मामले निखिल, जिसके तहत अतीक के खिलाफ जांच तेज हो रही है? देखिए, 2021 में जो ईडी है उसने अतीक अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा पंजीकृत किया था। इसमें आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था और जिसके बाद इस पूरे मामले में जांच बहुत तेजी से ईडी ने शुरू की थी। उसका एक प्लॉट भी ईडी ने जो है वो अटैच किया था। हालांकि धीरे धीरे जांच जो है वो ठंडे बस्ते में चली गई, लेकिन एक बार फिर अब जब अतीक का चेहरा सामने आया कि वो किस तरह से किसी एक व्यक्ति की हत्या कराता है, और उसके बाद ईडी ने भी अपनी इस पूरे मामले में जांच तेज कर दी है। अब तक की अगर हम ईडी की कार्रवाई की बात करें तो 8 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी जो है जब्त कर चुकी है अतीक अहमद की। इसके साथ ही हम बात करें सरकार की, तो 1000 से ज्यादा करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश प्रशासन है, उसने उसकी अटैच कर रखी है। तो अब जो है ईडी इस पूरे मामले में अपनी जांच का जो दायरा है वो बढ़ाने जा रही है। अतीक के साथ अतीक के परिवार के लोगों को भी जद में रखा गया है। आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला है, जितनी अतीक अहमद की आय है उससे बहुत ज्यादा उसकी संपत्ति है, और यही वजह है कि इस पूरे मामले में जांच शुरू हुई थी। तो एक तरफ जहां उमेश पाल के हत्याकांड में पुलिस जो है उसकी और एसटीएफ उसके ऊपर शिकंजा कस रही, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने भी अपनी जांच को बहुत तेज कर दिया है। निश्चित तौर पर बड़ी संपत्तियां जो उसकी हैं वो जल्द ही अब ईडी उस पर भी जो है कब्जा अपना करेगी, ईडी उसे अटैच करेगी, और ईडी भी उसकी जो परतें हैं उसके जो गुनाह की, आर्थिक गुनाह की, उसे खोलने की कोशिश करेगी। जी बहुत शुक्रिया निखिल आपको तमाम जानकारी के लिए। तो 2 साल पहले ये केस दर्ज किया गया था, अभी तक 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और आगे की कार्रवाई भी अब लगातार जारी है। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद की तलाश का दायरा पुलिस ने विदेशों तक पहुंचाया है। नेपाल में असद की तलाश की जा रही है। नेपाल में असद के होने की आशंका के चलते पुलिस की 2 टीमों ने पोखरा और काठमांडू के अलग अलग हिस्सों में दबिश दी। बताया जा रहा है कि आरोपी असद के पास पासपोर्ट नहीं है, इसलिए पुलिस ऐसे देशों का भी रुख कर रही है जहां पर पासपोर्ट के बिना जाया जा सकता है। तो नेपाल में पुलिस ने दबिश दी है 2 जगहों पर। अतीक के बेटे असद की तलाश लगातार तेज है। यह आशंका जताई जा रही थी कि असद नेपाल फरार हो सकता है या बांग्लादेश की तरफ भी भाग सकता है। तो अब पुलिस की तरफ से न सिर्फ देश में, कई राज्यों में इन शूटर्स को लेकर दबिश दी जा रही है, पर नेपाल में भी 2 जगहों पर दबिश दी गई। और बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेल में अशरफ के मददगारों की पहचान हो रही है। अतीक के भाई अशरफ के 9 गुर्गों की तलाश तेज है। अशरफ के साले सद्दाम पर भी शिकंजा कसेगा। सद्दाम के संपर्क में आए 11 लोगों की लिस्ट तैयार हो रही है। 2 लोगों को जेल भेजा जा चुका है।
जेल स्टाफ को बैठाकर भी पूछताछ का दौर लगातार जारी है। जो लोग अशरफ की मदद किया करते थे उनको लेकर अब तलाशी तेज हो गई है कि वो कौन लोग थे जो जेल में बंद अशरफ की मदद किया करते थे, मुलाकात लोगों की उससे करवाया करते थे। अशरफ के साले सद्दाम पर भी शिकंजा अब कसेगा। अतीक के भाई अशरफ के 9 गुर्गों की तलाश अब पुलिस ने तेज कर ली है। लगभग 11 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जो सद्दाम के संपर्क में थे। 2 लोगों को ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है। जो लोग बचे हैं उनकी तलाशी तेज है, उन पर अब पुलिस का शिकंजा कसता हुआ नजर आने वाला है। तो जेल स्टाफ को भी बैठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। पेशी के लिए अशरफ कोर्ट पहुंचा था और वहां पर पुलिस कर्मियों के बीच में बड़े ही ठाट से पान खा रहा था। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा था और अतीक गैंग ने ही जब इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था तो उन्होंने ये साफ वहां पर जाहिर कर दिया था कि वक्त जरूर अच्छा नहीं है लेकिन ऐश और ठाट अभी भी उतने बरकरार है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मनोज, जेल में अशरफ के मददगारों की किस तरीके से पहचान हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, जानकारी बताइए। बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि पिछले 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और जेल के प्रत्येक सीसीटीवी कैमरे की को खंगाला जा रहा है। हर आने जो भी वहां पर वर्किंग कर रहे थे, जो भी वहां जॉब कर नौकरी कर रहे थे, उन सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है, चाहे वो संतरी हो या वहां पर सुरक्षा गार्ड हो या प्रत्येक व्यक्ति से गहनता से पूछताछ की जा रही है। अलग अलग बुला के पूछताछ की जा रही है कि आखिर अशरफ को कौन कौन लोग चीजें मुहैया कराते थे, किस प्रकार की सहूलियत उनको दी जाती थी। आपको बताना चाहेंगे कि लगातार उसके लिए फोन से बात कराई जाती थी, मनचाही जगह पे मिलवाया जाता था बाहर के लोगों से और उनकी कोई भी टाइमिंग बाउंडेशन भी नहीं होती थी। ये सारे खुलासे हुए हैं। 2 लोगों को पहले ही, एक आरक्षी सहित 2 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस ने उस बाहर से जो मदद करते थे उन 2 लोगों को और गिरफ्तार किया है 2 दिन पहले ही। इसके साथ लगातार 11 लोगों की पूरी ये लिस्ट एक निकल कर आई है जिसमें 11 नाम है, जिसमें पीलीभीत के भी हैं और बरेली के भी हैं। बरेली के साथ है तो पीलीभीत के 3 लोग बताए जा रहे हैं। अब इन लोगों की भी गहनता से जांच की जा रही है। इससे एक बड़ा मुख्य नाम निकल के आया है, लल्ला गद्दी। लल्ला गद्दी जो है अशरफ का जो साला है सद्दाम, उसका साथी था और उसको हर प्रकार की जो सहूलियत थी वो मुहैया कराता था, पैसे